कर्नाटक पर बन रहे पुल को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग क्षेत्र के लोग कई बार उठा चुके हैं। जिस वक्त इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, उस वक्त रसूलपुर फाटक को बंद कर दिया गया था। इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य समय रहते पूरा कर लिया जाता तो उन्हें इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसका कार्य अटकने से उनके सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। कई किलोमीटर का चक्कर लगाकर उन्हें आवागमन करना पड़ता है। रसूलपुर फाटक पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य वर्ष 2018 के अक्टूबर माह में शुरू हुआ था। इस फ्लाईओवर के बन जाने से शहर की कॉलोनियों बैंसलात और हसनपुर समेत अन्य गांवों के तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों को पलवल आवागमन में सहूलियत मिलती। जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तो दावे किए गए थे कि 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा, मगर अभी तक इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 50% तक पूरा नहीं हो पाया है। रेलवे फाटक के बंद होने से सबसे ज्यादा स्कूल से आने जाने वाले छोटे बच्चों को है। रेलवे फाटक के दोनों तरफ करीब आधा दर्जन स्कूल बने हुए हैं, जिनमें एक सरकारी स्कूल भी शामिल है। स्कूल आने जाने के लिए सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं इस रेलवे लाइन को क्रॉस करके स्कूल आते जाते हैं। ऐसे में बच्चों की जान को लेकर हर समय खतरा बना रहता है। इससे पहले भी रेल की चपेट में आने से 2 छात्रों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ से हमें आने में बहुत दिक्कत होती है सर। ये कई बार तो फाटक होती है, हमको पता चल जाता है कि हम रेल आ रही है तो हम रुक जाते हैं, अब पता नहीं चलता। कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है, बहुत लोगों का हो चुका है। तो ये सब बनवाना बहुत जरूरी है सर, बहुत ही दिक्कत होती है इससे। जल्द से जल्द जो पुल का निर्माण कर रहे हैं, यस सर, बहुत जल्दी कर दिया जाए। बहुत दिक्कत होती है सर यहाँ से निकलने में, कई बार तो खड़े भी हो जाते हैं, स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। हमें आने में बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे, तभी तभी तो हम लेट भी हो जाते हैं, और जो बालक भी आते हैं ना उनकी वजह से। और ये पुल के निर्माण के लिए जल्द से जल्द सरकार को कराना चाहिए, जल्द से जल्द पूरा चलवाना चाहिए, साथ में और दिक्कत नहीं हो। जैसे आप रेलवे ट्रैक पार करते हो तो डर नहीं रहता अभी? बहुत डर लगता है, तभी तभी तो एक्सीडेंट भी हो जाता है। बिल्कुल क्लोज हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल है गोला है, एमडी हाई स्कूल है। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आज इसे 3 साल हो गए कम से कम, यहाँ पे काफ़ी संख्या में बच्चे आते हैं जिनका बच्चे आपको पता है बच्चों में इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि इन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को देखते हुए तो इसका बहुत जल्द से जल्द निर्माण हमारी सरकार करे, तो मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ। सर यहाँ पे अगर हादसे की बात करें, बात आपको भी पता है कि जितने भी काम हमारे एक डेढ़ साल से कोविड की वजह से सफर हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उसी की वजह से कोई जब एक बार काम बंद हो जाता है तो उसमें कई दिक्कतें आती हैं, और अब स्थिति ठीक हो रही, सामान्य हो रही, तो जल्दी से काम। लेकिन स्कूलों के बच्चे रेलवे ट्रैक क्रॉस करके स्कूल जा रहे हैं, अगर कल को कोई हादसा हुआ, पहले भी 2 बच्चों की मौत वहाँ पे हो चुकी है, रिस्पॉन्सिबल कौन? आपको भी पता है कि जब विकास होता है तो देखो थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है।